क्या लगता है आपको कि जीत हुई है कि ये उन फातफो किसानों की शहादत का परिणाम है कि भारत सरकार को झुकना पड़ा और अभी हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक कानून सांसद के द्वारा वापस नहीं हो जाते और MFP जो भारत सरकार को कानून नया बनाना है उस पर कोई सार्थक बात तय नहीं हो जाती बिजली विधेयक पर तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या अभी डर है क्या कि कानून अभी आ भी सकता है, ऐसा कोई डर भी है? व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कानून बड़ा होता है। जो भारत सरकार ने लोकसभा के द्वारा संविधान के द्वारा जो कानून बनाया हो उसको संविधान के अंतर्गत कानून के दायरे में जब तक न वापसी हो जाए तब तक इस पर कोई बहुत प्रसन्नता व्यक्त करने का औचित्य नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि किसानों को हम समझा नहीं पाए, तो क्या लगता है कि आप लोग समझदार नहीं है या फिर वो नहीं समझा पा रहे? मोदी जी जो किसानों की समझाने की बात कर रहे हैं, जब ये कानून लाए हैं उसके पहले किसानों से इनको समझना चाहिए था, किसान संगठनों को बुला के बैठक करना चाहिए था, उसके गुरुदोष पर विचार किया जाना चाहिए था। इसलिए जो है सरकार फेल हो गई, किसानों के लिए डेथ वारंट के बराबर था तीनों कृषि काले कानून। लेकिन ये चुनावी हथकंडा या मास्टर स्ट्रोक सरकार का? ये चुनावी हथकंडा जो भारत सरकार ने वापस लेने का जो निर्णय लिया है, ये इनको पता है पूरे पूर्वांचल में जो दौरा हुआ, भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री बनारस से लेकर के सुल्तानपुर हर जगह जो दौरा किए, इसमें जो सरकारी भीड़ जो आई इससे देख के इनको लगा कि जनता और किसानों में इनकी लोकप्रियता बिल्कुल कम हो गई है, इससे डर करके ये कानून वापस ले रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है कि किसान जो संगठन थे चाहे भाकियू जो, उनसे मुद्दा मोदी जी ने छीन लिया चुनाव। किसानों का भला होना चाहिए, सरकार हम इसलिए बनाए थे कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक साथ चलेगी तो किसानों का भला होगा, इसलिए तो सरकार बनाई गई थी। सरकार भला करे अच्छी बात है। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जो किसान धरने बैठे थे उनकी नौकरी चली गई है। जो किसान धरने पर बैठे थे वो किसान है, वो कोई राजनीतिक कर्मचारी थोड़ी है। उसमें चुनाव लड़ने वाला जो 40 संगठन है उसमें कोई नेता थोड़ी है कि जो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी टिकट मांग रहा है। बीजेपी तो कह रही थी खालिस्तानी जो बताने का काम किया उसी के दबाव में, खालिस्तानी और पाकिस्तानी के दबाव में है तो आगे कानून वापस ले रही है, जो नकली किसानों का ढिंडोरा पीट रही है। अब ये उनका विषय है कि ये नकली किसानों के हित में कानून वापस ले रहे हैं कि असली किसानों के देश में हित में कानून वापस ले रहे हैं।